गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज क्लास वन की बुक, हिंदी की बुक पढ़ाने जा रहा हूँ। बुक का क्वेश्चन आंसर, प्रश्न और उत्तर लिखवाने जा रहा हूँ। आपका पेज नंबर 8 है, पोएम का जो पेज नंबर आपका 8 है। अपनी कॉपी निकाल लेंगे और पेंसिल निकालेंगे बच्चे जो है, और आराम से धीरे धीरे मात्रा पर ध्यान देते हुए आपको लिखना है। पहला प्रश्न क्या है, सूरज सौ पर देख, इन प्रश्नों के उत्तर लिखो। ऊपर क्या लिखेंगे कॉपी पर, इन प्रश्नों पर बिंदु है के उत्तर लिखो। पहला, सूरज सौ पर बढ़ाओ की मात्रा है, सूरज का रंग कैसा है, प्रश्नवाचक चिन्ह, सूरज का रंग कैसा है। उत्तर, सूरज का रंग लाल है। सूरज का रंग कैसा है, सूरज का रंग लाल है। और इसके बाद आप क्या दे देंगे जो है, खड़ी पाई बड़ा सा खींच लीजिएगा, सूरज का रंग लाल है। दूसरा, रोशनी कौन करता है, प्रश्नवाचक चिन्ह, रोशनी कौन करता है। उत्तर क्या है आपका, सूरज रोशनी करता है। खड़ी पाई बड़ा सा आप खींचेंगे जो है, सूरज रोशनी करता है, रोशनी कौन करता है, सूरज रोशनी करता है। ये आपका खड़ी पाई है, इसको पूर्ण विराम भी बोला जाता है या खड़ी पाई। तो आप यहां से यहां तक अपनी कॉपी पर बोल बोल कर मात्रा पर ध्यान देते हुए अच्छी राइटिंग में आपको लिखना है जो। अब आगे बढ़िए जो है, अब आपका प्रश्न 3 है, फसलें। देखिए फसलें ले पर क्या है, बिंदु लगा हुआ है, फसलें किससे, क पर छोटी की मात्रा, की स से होती हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह, फसलें किससे होती हैं। उत्तर, फसलें वर्षा से होती हैं पर आपका बिंदु है और ये खड़ी पाई, फसलें ले पर बिंदु है, फसलें वर्षा से होती है। कॉपी पर इसको आप नोट कर लेंगे जो है। अब बढ़ा जाए आपका जो है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। सूरज कब निकलता है, प्रश्नवाचक चिन्ह, पहला सुबह को, सेकेंड दोपहर को, या तीसरा दिया है शाम को। तो किस पर टिक लगाएंगे, सूरज कब निकलता है, सुबह को, आप सुबह को पर टिक लगा लेंगे। मैं रुक रहा हूं, पाज कर रहा हूं, आप यहां से यहां तक अच्छी राइटिंग में अपने कॉपी पर लिख लीजिए।
अब आगे बढ़ा जाए। दूसरा, सूरज कैसे निकल रहा है। सौ पर ख्याल कीजिएगा, वाओ की मात्रा है, क पर जो है आय की मात्रा है। कैसे निकल रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह। पाला क्या है, तेज तेज। दूसरा क्या है आपका, धीरे धीरे। और तीसरा क्या है, बड़े आराम से। सही उत्तर क्या है जो है, धीरे धीरे, यानी कि सूरज धीरे धीरे निकल रहा है। तीसरा है आपका, सूरज क्या लाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह। सूरज क्या, ल पर आ की मात्रा ला, त पर आ की मात्रा ता है। पाला, बादल, ब पर आ की मात्रा बा, द, ल। दूसरा, वर्षा, य र ल व है वर्षा। और तीसरा क्या है, दोनों, नो पर आपका जो है बिंदु है। क्या लाता है, उत्तर क्या होगा जो है, दोनों। दोनों लाता है, बादल भी लाता है और वर्षा भी लाता है। मैं पॉज कर रहा हूँ, रुक रहा हूँ, आप दूसरा और तीसरा जो है अपने कॉपी पर अच्छी तरह से लिख लीजिए। अब आगे बढ़ा जाए। ग, कविता के इन पंक्तियों पर बिंदु है जो है तयों को पूरा करो। डैश, कविता के इन पंक्तियों को पूरा करो। आपको पहले वाले में क्या भरना है, धरती, त पर बड़ी की मात्रा धरती, पर फैली ह र, र पर जो है छोटी की मात्रा हरी याली, ली पर बड़ी की मात्रा, धरती पर फैली हरियाली। दूसरी लाइन में जो है, सूरज, स पर बड़ाओ की मात्रा सूरज, से ही होती, ओ की मात्रा ह पर ओ की मात्रा हो, त पर बड़ी की मात्रा ती, होती है। धरती पर फैली हरियाली सूरज से ही होती है खड़ी पाई। सूरज, ब पर आ की मात्रा बा, द, ल। सूरज बादल, कॉमा लगा हुआ है, वर्षा लाता। सूरज बादल वर्षा, ल पर आ की मात्रा ला, त पर आ की मात्रा ता। सूरज बादल वर्षा लाता जिससे, ज पर छोटी की मात्रा जी, स से, ये दंत स है जो है, जिससे फसलें, फ स ले, ले पर आपका बिंदु लगा हुआ है जो है, जिससे फसलें होती, त पर बड़ी की मात्रा है, जिससे फसलें होती हैं। एक बार और पढ़े दे रहा हूं जो है, धरती पर फैली हरियाली सूरज से ही होती है। सूरज बादल वर्षा लाता जिससे फसलें होती है। यहां से यहां तक आपको जो है अपनी कॉपी पर जो है अच्छी राइटिंग में बोल बोल करके जो है नोट कर लेना है, लिख लेना है। 15 सेकेंड, 15 सेकेंड का, 20 सेकेंड का टाइम आपको दे रहा हूं।
अब आपको क्या करना है होमवर्क की कॉपी में, होमवर्क की कॉपी में आपको क पूरा देख लिखना है, जो है बोल बोल करके, जो है तीन प्रश्न है, एक दो और ये तीन प्रश्न आपके हैं, प्रश्न और उत्तर दोनों लिखना है। इसके बाद ख में जो है सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ, ये आपको अपनी होमवर्क की कॉपी पर लिख करके जो है अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करनी है। फिर ये कविता की इन पंक्तियों को पूरा करो, ये भी आपको जो है चार लाइन आपको अपनी कॉपी पर बोल बोल करके मात्रा पर ध्यान देते हुए अच्छी हैंडराइटिंग में लिखनी है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी आपका जो है नेक्स्ट टर्न पर समय का सही प्रयोग कीजिए, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन कीजिए एंड बी चीयरफुल और प्रसन्न रहिए।